यू रिमेम्बर रूबी, तुम्हारे डैड की कजन? हाँ हाँ। उसकी तलाक हो गई है। तलाक? कैसे? मेरा मतलब है इस उम्र में? बंदर बुढ़ा भी हो जाए ना तो गलतियां मारना नहीं छोड़ता। दूसरी बीवी। 15 साल से चल रही है इनकी शादी। दूसरी बीवी? हाँ, दूसरी बीवी। कैसे? घर से लेट सिटिंग का बोल के जाता था दूसरी बीवी के पास। आई एम श्योर उसको भी यही बोलता होगा। तो क्या उन दोनों बीवियों को नहीं पता था? दैट आई डोंट नो। दूसरी का इंटरव्यू नहीं किया ना मैंने अभी तक। रूबी यही बता रही थी कि ये सारा कुछ चल रहा है अभी। ऐसा कैसे हो सकता है मामी कि 15 साल तक एक बीवी हो और पहली वाली को पता ही ना चले? ये मर्द ऐसे ही होते हैं, बहुत चलाक होते हैं ये। मीठी मीठी बातें, चिकनी ज़बानें, वो दे वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन फूल यू वेरी इजीली। सब ऐसे नहीं होते। मर्द और साबुन में ना कोई फर्क नहीं होता, कभी भी फिसल जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ अपने साबुन पे जरा नजर रखो। कभी भी फिसल सकता है वो भी। सजाद ऐसा नहीं है। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, फिसल तो जाते हैं लेकिन सीधा गटर में जाते हैं फिर। आप पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, मैं जा रही हूँ। हाँ है ना, है ना, सुनो ना। सलाम ना दुआ, डायरेक्ट सुनो। सुनो ना। अच्छा सुनाओ। तुम्हारा हस्बैंड लेट सिटिंग्स करता है क्या? नहीं, वो तो लेटने के बाद बस लेट ही जाते हैं, सिटिंग करने जैसी उनकी हालत ही नहीं रहती। मैं ऑफिस की बात कर रही हूँ। अच्छा, टाइम पे घर आते हैं? हाँ, पहले नहीं आते थे, उसके बाद मैंने ऐसा टाइट किया कि अब 6 बजते ही उनकी गाड़ी घर के अंदर होती। और ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी अम्मी कहती हैं कि जो हस्बैंड लेट ऑफिस में बैठे उसे अपनी वाइफ से प्यार है। ये कैसी बात है? इसका प्यार से क्या ताल्लुक है? काम होता है उनके ऑफिस में। ओ भाई, कोई काम वाम नहीं होता, वो मुझे बताते रहते हैं। उनके ऑफिस में जो बाकी बैंकर्स हैं ना, उनके पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस से चक्कर चल रहे हैं। चक्कर? हाँ, मेरे हस्बैंड इस शहर के वाहिद बैंकर हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गोल्ड कप पे कैसे थे? गॉड, पहले मैं अंदर आ जाऊं, बाद में लड़ लें। जो मर्जी चाहेगा। वैसे गोल्ड कप पे वाली कहां से आ गई फिर से? गोल्ड कप पे वाली नहीं तो आइसक्रीम वाली होगी। बात यह है कि तुम इस वक्त आए, इसका मतलब यह है कि तुम बिजी थे कहीं या किसी के साथ बिजी थे। मैं ऑफिस में था। बस करो सज्जाद, सच क्यों नहीं बोलते? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। Forget it. You know what? I don't care. But, Eman, baby, hua kya hai? Wait, wait, just wait. Ishq ne ghalib nikamma kar diya. Warna hum aadmi the kaam ke. Is tarah ke logon se ladne ka sirf aur sirf ek tarika hai. Inki aankhon mein aankhein daalo और लड़ो। और रुक जा रुक जा, हर किसी को तुम्हें सिखा भी नहीं सकता बनना। देखिए शिकार हफ्ता और इतवार रात 7 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।